तो चलिए इस वाली वीडियो में बात करते हैं 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड्स एंड ईथरनेट फैमिली की, राइट। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट लिंक्स क्या है, राइट, ईथरनेट फैमिली के अलग अलग स्टैंडर्ड कौन से हैं, 802.3 एंड ऑल। अच्छा, ये जो वीडियो है आई थिंक काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी हमारे, है ना, चैनल के स्टार्टिंग से ही। हमारे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आकाश, उन्होंने बोला था कि सर वीडियो बनाइए एक 802.3 ईथरनेट फैमिली पे। बट येस, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम आकाश, एग्जैक्ट टाइम। एंड येस, वी आर स्टडिंग स्विचिंग एंड ऑल दैट, सो ये एक परफेक्टली ब्लेंड इन होगी हमारे अभी वाले करंट टॉपिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई ज़्यादा इस पर टाइम लगाए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 802.3 है क्या। एक्चुअली देखिए, बहुत सारे लोगों को जहाँ तक मैंने देखा है क्लैरिटी नहीं होती कि 802.3 व्हाट डज इट मीन बाय। सबसे पहले 802.3 इसका मतलब समझे आप, 80 मीन्स 1980 में उसका जो सेकंड मंथ था, मीन्स 02 फेब जो मंथ था, उसमें IEEE ने एक वर्ल्ड वाइड डेलीगेशंस की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें डिसाइड किया था कि जो अलग अलग नेटवर्क्स में, ना देखिए पहले हर किसी वेंडर के अपने अपने नेटवर्क्स थे, अपनी अपनी प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ था। तो उस टाइम पे नेटवर्क रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, लाइक OSI एंड TCP/IP, है ना। तो जो आपका गवर्नमेंट कमिटीज़ थी वो OSI पे ज़्यादा काम कर रही थी, जो एक फ्रीलांसर्स कह लीजिए या फिर जो कुछ लोग जस्ट एक ब्रिलियंस बोलते हैं ना, पैशन होता है जिसका टेक्नोलॉजी में काम करना, एक तरह से वॉलंटियर्स, वो काम कर रहे थे TCP/IP के ऊपर। और देखिए कितना एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है, या आप कह लीजिए कि वो मेहनत है उनकी, कि OSI मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कहिए या फिर कि वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना TCP/IP हुआ, राइट, जो एक वॉलंटियर्स का क्या था, एक इनिशिएटिव था। तो इट्स समथिंग, बहुत ब्रिलियंट एक पॉइंट है। दूसरा क्या है कि ये जो मीटिंग हुई नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल थिंग, इसमें क्या था, IEEE ने बोला कि जैसे LAN है, फिर WAN है, फिर MAN, सबको अलग अलग स्टैंडर्ड्स में डिवाइड कर दो और हर किसी के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग काम चलेगा और हर किसी के डॉक्यूमेंट बनेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, जो भी प्रोग्रेशन होगा और उन डॉक्यूमेंट्स में, उन स्टैंडर्ड्स में लिखा जाएगा। जो फाइनल वर्जन, फाइनल डॉक सामने आएगा, RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, उनको आप फाइनलाइज करेंगे जिसको सारी दुनिया फॉलो करेगी, राइट। तो इस तरह से जो आपका LAN के लिए एक स्टैंडर्ड बना था उसको बोलते थे 802.3, राइट। ऐसे ही अगर आप 4 देखेंगे, 802.4 वो टोकन बस के लिए था, .5 है टोकन रिंग के लिए होगा आई थिंक, यस, .6 है अलग से मिलेगा आपको मैन के लिए, .7, .8, जैसे मैं बोल लूँ कि सिक्योरिटी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है तो 2600-2008। तो ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, आपको हर एक काम के लिए नेटवर्किंग में स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। तो हमारा जो 802.3 स्टैंडर्ड है, दैट इज़ फॉर आपका इथरनेट, समझ पा रहे हैं, ओके, ब्रिलियंट। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा समझते हैं LAN के बारे में, हम काफ़ी पहले भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक अलग एंगल से पढ़ते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से, डिज़ाइन वाले एंगल से। तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, आप देखिए, डिवाइसेज हैं, छोटे से रूम में हैं, छोटे से आपके कैंपस में हैं, बिल्डिंग में हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लेकिन इसको आप दो तरीके से और क्लासिफाइड डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कि लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आप वायर्ड यूज़ कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर योर इथरनेट LAN, वायर्ड वाला किस में आएगा, इथरनेट LAN में, और वायरलेस वाला आता फिर अलग से, उसके लिए वायरलेस LAN है, WLAN जिसको बोलते हैं, राइट। फिर आप देखते हैं कि भाई आपको स्मॉल साइज्ड, मीडियम साइज्ड नेटवर्क बनाना है या फिर आपको बहुत बड़ा एंटरप्राइज साइज का नेटवर्क बनाना है। तो जो स्मॉल साइज के नेटवर्क्स हैं, होम ऑफिस और या फिर घर के लिए जो आप LAN क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सोहो LANs, और जो बड़े नेटवर्क्स हैं दैट इज एंटरप्राइज LANs, राइट। अब हम बात करो कि इथरनेट LAN के, हमने बोला था ना कि टेक्नोलॉजी के बेस पे दो तरह की LAN थी, इथरनेट LAN एंड वायरलेस LAN। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इथरनेट LAN के ऊपर, राइट। तो कॉम्बिनेशन है, यूजर डिवाइसेस लगे हैं आपके, बहुत सारी तरह की केबलिंग है, राइट, किसी केबल की कोई स्पीड है और किसी की कोई स्पीड है, हो सकता है कोई 10 Mbps है, कोई आपकी 1000 Mbps, ओके। तो इसको क्लोज करता हूँ जल्दी से मैं, ओके। तो इनका काम लेकिन सभी का वही होगा, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, दोनों के बीच में आपको फ्रेम्स ट्रांसफर करवाने, दैट्स इट, क्योंकि लेयर टू है इथरनेट और ये सब, हम फ्रेम की बातें करेंगे, चलिए ठीक है। इथरनेट LAN अगेन
मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस, मल्टीपल टाइप ऑफ आपके वायर्ड लिंक्स रहेंगे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा, लैन जो इथरनेट लैन है उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, वायर्ड लैन, ये भी आपको याद रखना है ना, ठीक है। इसमें फाइबर ऑप्टिक की केबल भी हो सकती है और आपकी ट्विस्टेड पेयर वाली केबल भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है तो आप देख लीजिएगा कि जो वायरलेस लैन है उनमें आपके सिग्नल्स ये नहीं चलते जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाले हमारे चलते हैं केबल्स के अंदर, उसमें चलती है आपकी फ्रीक्वेंसीज, राइट, आरएफ की फ्रीक्वेंसीज। चलिए फिर इथरनेट के बाद हम बात करते हैं कि इथरनेट लिंक किसको बोलते हैं, राइट। देखिए अभी तक हमने सिर्फ ना इथरनेट लैन की बात की है और अभी मैं बात कर रहा हूँ इथरनेट लिंक की, सिर्फ इथरनेट की बात हमने कहीं पे भी नहीं की है फिलहाल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिमिलर सी टर्मिनोलॉजी कई जगह आपके कॉम्प्लेक्स वे में यूज होती है, तो इसको थोड़ा डीमिस्टिफाई करके समझेंगे एक एक, ओके, राइट। तो पहले हमने देखा इथरनेट लैन क्या थी, जो वायर वाली लैन है जिसमें ट्विस्टेड पेयर फाइबर सब कुछ चलते हैं, वायर सिग्नल चलते हैं। दूसरा फिर हमने देखा कि भाई अभी हम इस वाले पार्ट में देख रहे हैं इथरनेट लिंक किसको बोलेंगे, राइट। लिंक क्या होगा, देखिए दो डिवाइसेज हैं उनको जोड़ना है, सो दैट इज योर लिंक, सिंपल। ये वायर्ड का लिंक भी हो सकता है, वायरलेस का लिंक भी हो सकता है, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, वायर्ड लिंक की। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क जो इथरनेट लैन है उसमें जो भी डिवाइसेज कनेक्टेड होंगे जिन केबल्स के थ्रू, दैट इज योर लिंक, दैट्स इट। अब इसके अंदर आपका जो रहेगा उसमें केबल भी आएगी, राइट। यहाँ से अब आपका ओरिजिन आता है इथरनेट का। देखिए जो इथरनेट है वो डिफाइन करता है तीनों चीज़ों को, किसको, केबल को भी डिफाइन करेगा कि भाई फाइबर लगी हुई है या फिर आपका ट्विस्टेड पेयर है, राइट। दूसरा किस कनेक्टर पे लगेगा, आपका SFP लगना है, RJ45 लगना है, RJ11 लगना है, दो चीज़ें हुई। तीसरा जो केबल के अंदर सिग्नलिंग है, मान लो सेम दिखने वाली केबल के अंदर 10 Mbps डाटा भी जा सकता है लैन केबल में, जो आपकी CAT3 केबल है, CAT5 में आपका 100 Mbps भी जा सकता है और CAT6 आपका 1000 Mbps भी जा सकता है, राइट। तो ये सब आप सिंगल सेम दिखने वाली केबल में कैसे अलग अलग स्पीड से डाटा ले जा सकते हो, ये डिफरेंट है आपका टेक्नोलॉजी, किस पे डिपेंड करता है ये, एवरीथिंग ऑन इथरनेट। तो इथरनेट में क्या क्या आया आपका, केबलिंग, उसके अंदर की सिग्नलिंग की टेक्नोलॉजी और कनेक्टर्स, तो इस सब को इंक्लूड करके क्या बनता है इथरनेट। तो इथरनेट को आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये एक तरह का नेटवर्क है या फिर एक तरह का लिंक है या फिर एक तरह की प्रोटोकॉल है, नहीं, इसमें सब कुछ है, हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, राइट। चलिए अभी बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर इथरनेट लिंक की। इथरनेट लिंक रहेंगे, वायर्ड रहेंगे, दो ही रहते हैं ज्यादातर आपके, या तो अभी के टाइम पे फाइबर मिलेगा या फिर आपको मिलेगा ट्विस्टेड पेयर। तो पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। तो क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल आपको याद ही होगा अच्छे से, ये कॉपर की रहती है, 8 पिन रहेंगी इनके अंदर और क्रॉस रहेंगी एक दूसरे से, जैसे ना वो क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्ट रहेंगी एक दूसरे के ऊपर। जैसे आप यहाँ जाएँ और यहाँ पर लिखें ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, तो इसके अंदर जो वायर्स हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्ट बना रहता है। रीज़न क्या है, इनके अंदर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको क्रॉसटॉक बोलते हैं एक तरह से, दो केबल्स के बीच में क्रिएट हो जाता है, ये एक तरह का लॉस है, बस आप ये समझिए। इसको अवॉइड करने के लिए, ये लॉस रिमूव करने के लिए हम वायर्स जो कॉपर वायर है उनको पेयर में रखते हैं। 8 वायर थी तो कितने पेयर बनेंगे, 4, दो दो के, राइट। अच्छा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, शायद ये आपने अगर नहीं देखा हो अभी तक ज़रूर ध्यान रखिएगा इसका। जो 10 Mbps और 100 Mbps वाले हैं आपके लिंक्स, उनमें आपको 4 केबल भी मिलेगी ना, अगर जनरली हम क्या बोलते हैं 8 केबल हैं एक उसके अंदर, देखिए यहाँ पे 8 केबल हैं, पर यहाँ पे अगर आपको 10 Mbps और 100 Mbps की स्पीड चाहिए ना, तो 1, 2, 3, 6 ये आपको चाहिए सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, जो आपका 4, 5, 7, 8 पिन है वो जस्ट पावर के लिए रहता है, इतना समझ सकते हैं आप। लेकिन जो आपका 1000 Mbps वाला है उसमें 8 की 8 केबल आप डाटा के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना इसको, राइट। तो और थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। अच्छा केबलिंग आर्किटेक्चर थोड़ा सा नया अलग सा है, तो वही लेकिन वर्डिंग्स थोड़ी अलग हैं, ये आप
हो सकता है कि जो सेम और डिफरेंट डिवाइसेस आप याद रखते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे स्ट्रेट केबल लगाएं और कहाँ पे क्रॉस केबल लगाएं। तो एक थोड़ा सा अलग अप्रोच है याद रखने के लिए। देखिए, जो आपके NIC वाले डिवाइसेज हैं, जैसे कि आपका PC है, लैपटॉप है, सर्वर्स है, वो जो कनेक्टर यूज़ करते हैं ना, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो 1 और 2 पिन पे डाटा सेंड करता है और 3 और 6 पे डाटा रिसीव करता है। लेकिन जो आपके स्विचेज हैं, इस तरह से जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं, वो करते हैं ऑपोजिट काम। क्योंकि इधर से देखिए 1 और 2 गई, PC से जो केबल गई 1 और 2 वो स्विच पे लगी 1 और 2 समझ गए हम बात। 1 और 2 का काम क्या था, सेंडिंग वाला। तो अगर स्विच का जो पोर्ट था वो भी 1 और 2 पे सेंड कर रहा होता, तो देखिए कोलिजन हो गया ना, इधर से भी सेंडिंग उधर से भी सेंडिंग। तो इसलिए स्विच की साइड का जो पोर्ट है उसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि वो 1 और 2 पे क्या करेगा, रिसीव। अब जैसे PC वाला 3 और 6 पे क्या कर रहा था, रिसीव, तो स्विच में आपका 3 और 6 क्या करेगा, सेंड। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आपके जो डिवाइसेज हैं तो कुछ रहेंगे एंड ऐसा जो 1 और 2 को सेंडिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे, और कुछ रहेंगे आपके ऐसे जो 1 और 2 को रिसीविंग की तरह इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो उसमें आप ये पूरी टेबल भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो 1 और 2 पिन से डाटा सेंड करते हैं, और ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं जो 1 और 2 पे डाटा रिसीव करते हैं। फाइन देन, सो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है पार्ट, थोड़ा सा मे बी आपको इसका भी आइडिया ना हो, तो यस यू शुड नो दैट। वैसे तो आपको पता है जो आपके सेम डिवाइसेज है वो कैसे पता करते हैं, जो IP पे काम करते हैं दोनों, या IP पे नहीं करते हैं तो सेम डिवाइस, एक IP पे काम करता है दूसरे पे नहीं करता है, तो दैट इज़ देयर डिफरेंट डिवाइस, जैसे राउटर और स्विच। ओके देन, फिर बात आती है इथरनेट फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स की। ये थोड़ा सा पढ़ना, मैं इसको डिस्कस कर भी चुका हूँ। देखिए इसमें कुछ अलग है बताने वाला, ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ा सा अगर मैं प्रोटोकॉल या OSI मॉडल के हिसाब से बताऊं, ईथरनेट बोलते हैं कि प्रोटोकॉल है सेकंड लेयर की, फैंटेस्टिक, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ सेकंड लेयर की चीज़ें ही नहीं डिफाइन करता, ईथरनेट ये भी बताएगा कि जो लेयर 1 है वहाँ पे जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन सी हैं, लाइक केबलिंग कौन सी यूज़ हुई है, लाइक आपका डाटा रेट कौन सा है, आप 10 Mbps है या 100 Mbps यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका कनेक्टर किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन डिफाइन करता है, ईथरनेट। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि ईथरनेट सिर्फ आपको लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं, लेयर 1 एंड लेयर 2 बोथ। तो ये भी थोड़ा सा आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। दूसरा और क्या है ये आपका, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स, हाँ इसको मैं थोड़ा सा आगे एलाबोरेट करूँगा, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे नहीं बताने वाला। ये एक वेबसाइट दी है जहाँ पे आप सारे लेटेस्ट जो भी इथरनेट के डेवलपमेंट्स है ना उनको आप देख सकते हैं, ethernetalliance.org करके। तो ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया है हमने, अभी तक तो हम सिर्फ क्या थे, थ्योरेटिकल समझ रहे थे। ये मैंने स्लाइड में डाला है एक्चुअली कि अब है क्या इथरनेट। तो देखिए, इथरनेट एक टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए। कैसे फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, मान लो आपने कोई कनेक्टर बनाना था RJ45, उसमें कितनी पिन हो, क्या साइज हो, डायमेंशंस, ये भी कौन डिफाइन कर रहा है, इथरनेट। उसके बाद CAT5 केबल बनानी है, CAT6, उसको कौन डिफाइन कर रहा है, इथरनेट। 100 Mbps वाला है, 1000 Mbps वाला, उसको भी कौन डिफाइन कर रहा है, इथरनेट। ईथरनेट ये भी डिफाइन करता है कि जो फ्रेम है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो, उसके अंदर VLAN का टैग कितने बाइट का हो, उसमें सोर्स मैक कितने साइज का हो, डेस्टिनेशन कितने साइज का हो, एवरीथिंग। तो फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो भी कौन डिफाइन करता है, ईथरनेट। समझ पा रहे हैं, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को ही डिफाइन करता है ईथरनेट। ओके देन, अब देख लीजिएगा इसमें कुछ अगर आपको पढ़ने या नोट्स बनाने लायक है तो। ओके देन, पावर ऑफ इथरनेट क्या है, यहां पे पावर इसकी इथरनेट में सबसे बड़ी ये है कि कोई मर्जी डाटा फ्लो करवाना हो आपको, राइट, चाहे आपको IP का पैकेट भेजना हो, चाहे आपको IPX का पैकेट भेजना हो, चाहे आपको MPLS का पैकेट भेजना हो, नो मैटर, आपको सारे के सारा जो इनकैप्सुलेशन करना है ना वो सेम फ्रेम के फॉर्मेट में करके देना रहता है। ऐसा नहीं है कि एक तरह के ऊपर से ट्रैफिक आई लेयर 3 से तो उसके लिए अलग तरह का इनकैप्सुलेशन यूज़ करोगे आप, दूसरे तरह की ट्रैफिक आई, मान लो ATM की ट्रैफिक आई तो उसको अलग तरीके से, नहीं, कोई मर्जी ऊपर से ट्रैफिक आए आपको वो ट्रैफिक लेनी है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना और उनके ऊपर एक हैडर लगा देना है। वो जो हैडर रहेगा डाटा लिंक लेयर का ना,
इथरनेट वाला वो सेम रहेगा सभी के लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इथरनेट, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए ठीक है, अभी हम फाइनली बात करते हैं स्टैंडर्ड्स, इथरनेट स्टैंडर्ड जो एक्चुअली डिफाइंड है, जब IEEE ने नाम दिए हैं उनका थोड़ा मतलब समझते हैं, ट्विस्टेड पेयर के लिए और फाइबर के दोनों के लिए पढ़ेंगे। अभी क्या है ट्विस्टेड पेयर, देखिए 10 Mbps का जो इथरनेट नाम है और उसका स्टैंडर्ड का नाम है 10BASE-T। यहाँ पे 10 क्या बताता है, स्पीड, टी बताता है टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर, बेस का मतलब थोड़ा आप समझिए मैं बताता हूँ, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड दो तरह के सिग्नल हो सकते हैं। बेस बैंड सिग्नल है जहाँ पे आप सिर्फ डाटा भेजेंगे या फिर सिर्फ वॉइस भेजेंगे, मीन सिंगल केबल सिंगल सिग्नल। ब्रॉडबैंड होता है जहाँ पे आप सिंगल केबल के अंदर मल्टीपल सिग्नल भेज सकते हैं, ब्रॉड मीन्स चौड़ा हो गया उसका स्कोप जो है डाटा सेंड करने का, राइट। तो दैट इज ब्रॉडबैंड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस बैंड। 100 लिखा है मीन्स केबल की स्पीड कितनी होगी, 100 Mbps। टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर ही रहेगा, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि बताइए 100 Mbps की जो केबल है उसका IEEE स्टैंडर्ड नेम क्या है। ये तो इनफॉर्मल है, सिर्फ ये आपको हमें जैसे लोग जो हैं नॉर्मल जिनको ज़्यादा डेप्थ में काम नहीं करना जिसको, राइट। लेकिन जो लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस पे काम करते हैं, टेक्नीशियन टाइप के जो लोग हैं, राइट, डेवलपमेंट टाइप के जो लोग हैं, उनके लिए ये नाम है, समझ पा रहे हैं आप। 802.3U, अगर जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो ना उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ते थे हम, तो किसी भी एक जो ऑर्गेनिक आपका कंपोनेंट है उसको एक तो इनफॉर्मल नाम देते थे कि भाई हम जैसे जो लोग हैं आम लोग वो याद रख पाए, एक है जो उसको एक्चुअल केमिस्ट लोग हैं जो उस पर R&D करने वाले लोग हैं उनके लिए। तो ये दोनों ऐसे नाम हैं, तो ये इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में तो खैर नहीं कोई पूछता, बट एग्ज़ाम में यस कई बार आ जाता है, ये इसकी लेंथ आ जाती है, ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, राइट। कॉपर तो कहीं भी मिले आपको, ट्विस्टेड पेयर तो कहीं भी मिले, उसकी मैक्सिमम लेंथ हमेशा, अगेन आई एम सेइंग, हमेशा 100 मीटर ही रहेगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। बट यस, अगर आप फाइबर यूज़ करते हैं तो फाइबर अलग अलग है, जैसे LX रहेगा, FX है, SX है, ये हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में, उसकी ये वाली जो लेंथ रहेगी या डिस्टेंस कि कितनी दूर तक वो सिग्नल को लेके जा सकता है ये वेरी कर सकती है। ओके, लेट्स स्लो डाउन अ बिट। ठीक है, देखिए स्लाइड में कुछ ऐसा है जो आपको सिर्फ ये फैक्ट्स हैं याद रखने हैं। 10G के लिए है AN, है ना, फैंटास्टिक। फाइबर ऑप्टिक के लिए देखिए, हमने ऊपर देखा था कौन सा था, फाइबर ऑप्टिक एक शायद इसमें ऐड था, सी 5 किलोमीटर तक के लिए था आपका 1000 BASE-LX, 1 GB का लिंक था और 5 किलोमीटर की रेंज थी, ठीक है, LX के नाम से था। यहाँ पे LX4 है जिसकी सिर्फ लेंथ कितनी है मैक्सिमम 300 मीटर। फिर 10G BASE-S अगर अकेला लिखा है 400 मीटर। LR, अच्छा एक और चीज़ समझिए ज़रा, केबल टाइप का मतलब हुआ, एक वीडियो हमने अभी जो बनाई थी अगर आपने देखी हो, कैंपस एरिया नेटवर्क डिज़ाइन वाली, राइट, उसमें हमने बहुत लेंथ में ये डिस्कस किया था कि सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर क्या है। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए बताता हूँ, मल्टी मोड फाइबर यूज होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से 2 किलोमीटर दूर है उनके बीच में फाइबर कैसी चलेगी, मल्टी मोड वाली, उसका कनेक्टर अलग रहेगा। सिंगल मोड, सॉरी मल्टी मोड कैसा चलेगा, जैसे एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ना है, पहले फ्लोर का स्विच दूसरे फ्लोर के स्विच से जोड़ना था, तो कैसी फाइबर से जोड़ सकते हो आप, मल्टी मोड फाइबर से। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे किलोमीटर्स में है, यहाँ पे मीटर्स में, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आप याद रख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर में और फाइबर ऑप्टिक में। देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन और डिफरेंसेस है, किसी में कॉस्ट कम है किसी में ज़्यादा है, फाइबर का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा रहता है हमेशा आपकी UTP से, राइट, और UTP में सिंगल मोड मल्टी मोड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये किस में आता है, फाइबर में। और UTP में फुल ड्यूप्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, UTP में फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए 1-2 केबल रखी है सेंडिंग के लिए और 3-6 रखी है रिसीविंग के लिए, ताकि सेंडिंग और रिसीविंग एक ही साथ हो पाए, उनमें कोई कोलिजन ना हो। यही काम फाइबर में करने के लिए हमें ना फाइबर में 2 अलग अलग केबल लेनी पड़ती है फुल डुप्लेक्स के लिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना फाइबर पैच केबल, तो ये देखिए एक इसके अंदर ना 2 केबल्स मिलेंगी आपको, सी दिस वन, देख पा रहे हैं, तो एक मिलेगी आपको
सेंडिंग के लिए, और एक मिलेगी जो अगर सिंगल केबल है तो वो फुल डुप्लेक्स नहीं, वो हाफ डुप्लेक्स होगी, ये वाली देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं। सी वन एंड टू, तो एक सेंड करेगी डाटा और एक रिसीव करेगी आपका, ठीक है। तो ऐसे फाइबर ऑप्टिक में आप फुल डुप्लेक्स अचीव करते हैं, ठीक है। देन वीलैन वाली वीडियोस में भी वैसे हम बात कर चुके हैं इथरनेट फ्रेम की, है ना, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या था और कितना, थोड़ा सा उस एडवांस की बात करते हैं कि इथरनेट का ही पार्ट है ना फ्रेम भी, तो इथरनेट फ्रेम लेयर टू का, जहाँ पे हेडर और ट्रेलर लगते हैं। तो कई सारे तरह के फ्रेम स्ट्रक्चर आते हैं वैसे अगर आप देखेंगे ना इथरनेट में, ये है जो कॉमनली यूज किया जाता है, राइट। अब ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रीएम्बल, फिर आपका एसएफडी, डेस्टिनेशन का मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस टाइप, ये क्या है। देखिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको पेंट में ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन लेयर थी सबसे पहले, उससे डाटा आएगा किस पे, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर कहाँ जाएगा आपकी सेशन लेयर पे, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, समझ पा रहे, ऊपर से ये डाटा आपका जो चला आ रहा है, फिर आपका आया नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर ने क्या इन्फॉर्मेशन डाली, आईपी की, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, ट्रांसपोर्ट लेयर ने कौन सी डाली होगी, मल्टीप्लेक्सिंग, जो सीक्वेंसिंग थी टीसीपी या यूडीपी के पोर्ट नंबर। अब जैसे ये डाटा आया आपका, सी दिस इज द डाटा मे बी, तो जो कुछ ऊपर वाला रहेगा वो ये है, राइट, इसमें हेडर भी होंगे मेन डाटा भी रहेगा, लेकिन जो आपकी डाटा लिंक लेयर है उसमें जो प्रोटोकॉल है इथरनेट, वो क्या करेगी इसके साथ एक हेडर अटैच करेगी और एक ट्रेलर अटैच करेगी। उसके बाद ये जो कंबाइंड, ये स्पीडियू का जो नाम है, ये जो टोटल है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। आपको याद आ गया होगा जब हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था तो इसकी बात की थी। तो ये क्या है फ्रेम, तो हम इस फ्रेम के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इसमें हेडर भी लगता है और इसमें ट्रेलर भी लगता है। अब ये जो डाटा आएगा ऊपर वाला, एक्चुअली वो आपका ये डाटा है, राइट। इस डाटा के बारे में, इसके साइज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हेडर लगा था, अभी हमने सिर्फ क्या लिख दिया था कि भाई इसने हेडर लगाया था ये वाला, लेकिन वो हेडर में ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हेडर होते हैं। देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उस हेडर के अंदर, क्या क्या बताना पड़ता है इथरनेट को कोई फ्रेम जब भेजना होता है तो, राइट। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ सबका क्या काम है। देखिए जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, सात आपके जो बिट्स रहेंगी, सात बाइट सॉरी, वो ये बताएंगी कि आपका जो अभी फ्रेम, एक्चुअल फ्रेम्स है, जो डाटा के फ्रेम्स हैं, वो सेंड होना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए, या फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले, जैसे BPDU भेजना है, जैसे आपको CDP के पैकेट्स भेजने हैं, या फिर आपको लेयर टू की कोई और LLDP के हैं, राइट। तो वो डाटा नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन भेजनी है देन आपका जो ये जो फ्रेम है, ये जो बाइट है, इसमें लास्ट में वन आ जाता है, राइट। अब इससे पता चल जाएगा कि अगला जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, जहाँ पे आपको भेजना है वो पर्टिकुलर डाटा, ठीक। तो अगले में 6 बाइट का होता है, 48 बिट का ना, फिर सोर्स का मैक एड्रेस टाइप। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, लास्ट में याद करिए थोड़ी सी, जो कुछ स्लाइड पहले हमने क्या बात की थी, पावर ऑफ इथरनेट। उसमें हमने बोला था इथरनेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, कि जो आपकी मान लो नेटवर्क लेयर से चाहे किसी भी प्रोटोकॉल का डाटा आए, आईपी का हो या फिर आपका MPLS के लेबल्स हो, एनीथिंग, ये उनको क्या करती है, सबको एक समान एनकैप्सुलेट करती है, ऐसे हेडर लगाती है। अब ये टाइप बताएगा यहाँ से, लेकिन जब उसको भेजना होगा ना डेस्टिनेशन की साइड पे, उसको पता तो रहना चाहिए ना किस तरह की ट्रैफिक आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना रहता है किस तरह की वो ट्रैफिक है टाइप में। तो जनरली अभी तो क्या है, IPv4 चलेगा, IPv6 चलेगा। IPv4 कैसे पहचान लेंगे, आई थिंक उसके लिए 0x800 है कोड, और देख सकते हैं आप, है ना। देखिए टाइप कोड अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, इथरनेट टाइप कोड्स, तो यहाँ से ही पता कर सकते हैं IPv4 के लिए क्या रहेगा, 6 के लिए। ये देखिए 0200 किसके लिए था, जो जीरोक्स की अपनी प्रोटोकॉल थी, ठीक है, PUP और ये सब। DNS के लिए ये रहेगा, राइट। IP के लिए क्या है आपका 0800, ऐसे ही IPv6 के लिए अलग रहेगा, और आप ये लिंक खोल के देख सकते हैं। तो अलग अलग ट्रैफिक रहेगी उसके लिए अलग लिंक। फिर ये डाटा एंड पैडिंग अभी छोड़ रहा हूँ मैं। फ्रेम चेक सीक्वेंस, आपको पता है डाटा लिंक लेयर पे दो काम होते हैं, कौन से, एक तो मैक एड्रेसिंग, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक ऐड होगा, और एक होता है एरर चेकिंग। तो उसके लिए इसी में ट्रेलर लगता है अलग से। देखिए ये ट्रेलर हमने लगाया है, इसका स्पेशल काम, हेडर का स्पेशल मेन काम क्या था आपका,
मैक एड्रेसिंग करना, और ट्रेलर का मेन काम क्या है आपका, एरर चेकिंग करना। उसके लिए FCS होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। आपका जो सेंडिंग साइड है, थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग बता देता हूँ आपको। सेंडिंग साइड आपके डाटा को ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेगा और उससे एक आउटपुट निकाल के देगा। अब जब रिसीव होगा रिसीवर पे कोई भी फ्रेम, वो रिसीवर क्या करेगा, वही सेम प्रोसेस चलाएगा कि वो डाटा लिया, उसको उस मैथमेटिकल एल्गोरिदम में या उस फॉर्मूला में पुट किया। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, सेंडिंग और रिसीविंग साइड की, तब तो इसका मतलब फ्रेम आपका ओके है। अगर कोई गड़बड़ आती है तो इसका मतलब फ्रेम में कोई इश्यू है और वो फ्रेम आपका ड्रॉप होगा और एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी आपके सेंडर के पास। कौन भेजेगा, रिसीवर। अगर उधर आपका TCP प्रोटोकॉल रनिंग है तो आपको रिट्रांसमिट होगा डाटा, UDP है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ एरर चेकिंग वर्क। और डाटा लिंक लेयर सिर्फ एरर चेक करता है, कंट्रोल नहीं करता, मीन्स करेक्ट नहीं करता। वो कौन करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा में एरर चेक करने का काम है वो रिसीवर करता है, सेंडर नहीं करता, राइट। रिसीविंग साइड पे जाने के बाद ही फ्रेम्स को चेक किया जाता है कि एरर्स हैं या नहीं है, राइट। ओके देन, अच्छा अभी ईथरनेट जो फ्रेम्स हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं और उसके कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा एंड पैडिंग, ये लिखा है ना। तो इसके हम देखिए, डाटा का मतलब है इसमें आपको कितना डाटा जो एक्चुअल है। जैसे मान लो मेरे को ना कोई इमेज है, मैं बात करूं अगर, जैसे ये एक इमेज है मैंने डाउनलोड कर ली और आपको मेल से भेजनी है यही, तो ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, ये एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जाएगी ना, छोटे छोटे, उसको पिक्सल कह लो या पैकेट या फ्रेम कह लो, राइट। तो वो जब आपको भेजने हैं तो वो आपका है एक्चुअल डाटा। उसको भेजने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, IP की, मैक की, पोर्ट नंबर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड एवरीथिंग, है ना। तो लेकिन एक्चुअल डाटा ये है। अब किसी भी फ्रेम में आप एक्चुअल डाटा मैक्सिमम जितना भेज सकते हो ना, उसको बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, और वो साइज़ है आपका 1.5 MB या फिर 1500 बाइट। किसी भी फ्रेम में आप 1500 बाइट से ज़्यादा का डाटा नहीं भेज सकते, किसी भी फ्रेम में 46 बाइट से कम डाटा आप नहीं भेज सकते। तो ये IEEE ने ना मिनिमम और मैक्सिमम डाटा की लिमिट को निर्धारित किया, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं स्पेसिफाई किया है। इससे कम अगर होगा, क्या होगा अगर डाटा इससे कम होगा, तो क्या होगा अगर डाटा इससे ज़्यादा होगा, तो जैसे ही आपका डाटा मिनिमम साइज से कम है तो ये जो आपकी प्रोटोकॉल है इथरनेट, क्या मान लो आपका डाटा 40 बाइट का है, मान लो आपके पास ना 1540 बाइट बचे थे लास्ट में, 1500 आपने भेज दिए, 40 बचे हैं। अब आपको पता है 40 तो आप मिनिमम भेज ही नहीं सकते, 46 कम से कम होना चाहिए। तो इथरनेट अपनी तरफ से ना 6 बाइट डमी डाल देगा उस फ्रेम के अंदर, तो पूरा 46 करने के लिए, राइट। उस प्रोसेस को बोलते हैं पैडिंग। मिनिमम साइज से अगर डाटा कम है तो उसको मिनिमम साइज तक लाने के लिए जितनी बाइट ऐड करनी पड़ती हैं तो उसको बोलते हैं पैड्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैडिंग। ऐसे ही क्या हो अगर आपका डाटा 1500 बाइट से ज़्यादा है, मान लो 1500 या मान लो 2000 समथिंग है या मान लो 3500 है, तो उसको क्या करेगा, वो 1500 1500 1500 के अलग अलग साइजेस में डिवाइड करेगा, समझ पा रहे हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो इसकी थियोरी शायद मैंने डाल दी है अगली स्लाइड में, अब देख लेना। सी, पैडिंग मैंने बता दिया, फ्रेगमेंटेशन बता दिया है, MTU बता दिया जो शायद अगली स्लाइड पे होगा। रंट फ्रेम देखिए, जब भी कोई आपका फ्रेम आएगा जिसमें मिनिमम डाटा 46 से बाइट का कम है, वो चेक उसको अगर स्विच एक्सेप्ट करता है या फिर बोलिए उसको कोई टर्म देनी हो हमें, तो वो रंट फ्रेम देंगे उसको। 46 बाइट से कम का कोई भी फ्रेम हो उसको बोलते हैं रंट फ्रेम, और 1500 बाइट मैक्सिमम साइज से ज़्यादा अगर कोई फ्रेम होगा तो उसको बोलते हैं जंबो फ्रेम। किसी भी स्विच में कैसे चेक कर सकते हैं ये थोड़ा बताता हूँ आपको। Layer 2 ट्रबल शूटिंग है, जब हम ट्रबल शूटिंग मास्टरी वाला जो एक कोर्स या फिर हो सकता है इसी में कोई अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सब बताऊँगा आपको डिटेल में। फिलहाल एक जस्ट आइडिया लेते हैं, तो एक बार ऑन हो जाए स्विच हमारा। ओके, तो लेयर टू पे जाएंगे, शो इंटरफेसिज FA 0/1। देखिए जब भी आप
आईपी लिख देते हैं ना, शो आईपी इंटरफेस लाइक दैट, तो ये आपकी किस पे आती है बात, फिर लेयर थ्री पे, ये जो आप कर रहे हो ना लेयर थ्री, शो आईपी इंटरफेस। और अच्छा ब्रीफ दिस वन, अच्छा इसमें थोड़ी और भी है, यस डिटेल्स नहीं बता रहा अभी मैं, ये समझिए जस्ट किसका है आपका, लेयर थ्री का। लेकिन जब आपको इसकी लेयर टू की डिटेल जाननी होंगी तो शो इंटरफेसेस कौन सा सभी का अगर करना हो तो ये करिए, वन बाय वन सबका दिखा देगा। कंट्रोल सी करता हूँ, सिंगल इंटरफेस का देखना है तो FA 0x1 या 0x2 जो भी इंटरफेस है। अब ये देखिए, तो सारे डिटेल्ड आउटपुट जो भी रहेगी ना उस इंटरफेस की आपको दिखा देगा। जैसे डाउन है क्योंकि अभी कोई इस पर आपने डिवाइस लगाया ही नहीं हुआ है, जैसे डिवाइस लगा दोगे 50 सेकेंड वेट करोगे तो आपका ये पोर्ट अप आ जाता है अपने आप से। फिर इसका मैक एड्रेस दिखाता है, बैंडविड्थ दिखाता है आपको, डिले की वैल्यू है, राइट, एंड देन आपका हाफ डुप्लेक्स है या फुल, फिर इसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है इसके अंदर। हमारे काम का भी कौन सा, देखिए यहाँ पे कैन यू सी दैट, इनपुट एरर्स कितने हैं, CRC फ्रेम यहाँ पे लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं अपने को, रंट फ्रेम्स या फिर आपका जंबो फ्रेम्स, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएगा। जब भी अगर कोई रंट फ्रेम आएंगे ना तो इसमें आउटपुट दिखेगी आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह का लिखा मिलेगा, अगर नहीं है कोलिजन होंगे तो कोलिजन की भी यहाँ पे जो वैल्यू जीरो, ये देखिए दिस वन जीरो रन्स, राइट, तो जायंट्स मीन्स जो जंबो था उनको जायंट्स भी बोलते हैं, जायंट फ्रेम। और जब भी एरर आने स्टार्ट होंगे ना तो ये वैल्यू बढ़ेंगी आपकी, और जब किसी भी स्विच के किसी पोर्ट पे ये वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई आपका मिस कॉन्फ़िगरेशन है या फिर मिस केबलिंग है, कोई ना कोई चीज़ आपने गलत करी है, राइट। तो ये इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हो लेयर टू के इश्यूज़। ओके, आप फिर चलते हैं, हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। सबसे पहले हमने जाना 802.3 क्यों बोलते हैं इसको, फिर हमने जाना लैन क्या और कितने टाइप का हो सकता है, वायर्ड वायरलेस, राइट। फिर हमने देखा इथरनेट लैन किसको बोलते हैं, वायर्ड लैन किसको बोलते हैं, देन फिर आपका इथरनेट में लिंक किसको बोलते हैं, फिर एक्चुअल इथरनेट किसको बोलते हैं, राइट, जिसमें आप केबलिंग भी बात करते हैं, पोर्ट की बात करते हैं और सिग्नल की टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, फिर पावर क्या है इथरनेट की, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी हमने बात की, देन फिर आप देखिए हमने स्टैंडर्ड्स देखे अलग अलग जो IEEE के अकॉर्डिंग आते हैं इथरनेट के स्टैंडर्ड्स, फाइबर के लिए भी और कॉपर के लिए भी, तो ठीक है आई थिंक। फिर हमने कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ स्टडी करी है, और इसके अलग अलग हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कुछ टर्म्स थी और कुछ आपके टाइप ऑफ फ्रेम्स थे, और थोड़ा बहुत मैंने आपको लेयर टू की ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, और अपने जो कमेंट्स हैं, जो आपका फीडबैक है, तो प्लीज़ शेयर करिए आप हमारे साथ, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF या स्टडी मटेरियल चाहिए है तो, यस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूंगा, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। तो यस, इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ गाइज, एंड अपने सर्कल में जो भी लोग IT में या नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर और ग्रो करना चाह रहे हैं ऑलरेडी अगर IT में पहले से हैं, तो यस रेकमेंड करिए ये चैनल और ये वीडियोज़ उन सब तक पहुँचाइए। यस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।